परमात्मने नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पुनः संदक्षिण पुष्पाणि गृहीत्वा ओम ओम श्री परमात्मने नमः। वो थाली दीजिए भैया, थाली पूरा दे दीजिए। तदः परमात्मन दक्षिण पुष्पाणि आदाय भगवान से प्रार्थना के प्रभो, जिस आशीर्वाद से मेरा मेरे परिवार का भला हो, जिस आशीर्वाद से हम सबका कल्याण हो, वो आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। और देखिए वैदिक मंत्रों का पाठ होगा, इसमें क्या है, कहा स्वस्ति है इंद्रो वृद्धश्रवा। देवी देवता है, देवताओं के राजा इंद्र है, देवताओं के गुरु बृहस्पति है, सभी हमारा कल्याण है। स्वस्ति मतलब कल्याण है। कल्याण किस प्रकार से करें, कहा भद्रम करने भी सुनियाम देवा। आपके आशीर्वाद से कान से वो वाक्य जो जाए जो जीवन के लिए हितकारी हो, उपयोगी हो, जो पुण्य प्रदायक हो, ऐसे वाक्य हमारे कानों से प्रवेश करे। आंख ऐसे दृश्य देखे जो पुण्य वर्धक हो, पुण्य को बढ़ाने वाले हो। शरीर की सारी इंद्रियां सत्कर्म में लगी रही, जब शरीर की इंद्रियां सत्कर्म में लगी होगी तो हमारे द्वारा पुण्य कर्म होंगे और जीवन में पुण्य बढ़ेगा। पुण्य होगा तो जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति आनंद होंगे। जीवन में पाप आया, पूर्व जन्म का है या कोई भी है, तो पाप आया तो जीवन में पाप का फल ही दुख है। तो भगवान कहा भद्रम करने भी सुनियाम देवा। तो कहा वेद भगवान कहते हैं कि भैया ऐसा आशीर्वाद हम आपको प्रदान करेंगे कि आप लोग बढ़िया देवताओं के द्वारा, जिससे हम देव के समान आचरण करें, श्री रघुनाथ जी जैसा आचरण करें, वैसे वाक्य जीवन में प्रवेश करें। फिर आगे क्या है, कहा अभी पूरे जन हृदय पर अंतरिक्ष मंत्र माता का पिता का पुत्र। मैं पूरे पिता के, अपने पिता के साथ, पुत्रों के साथ, परिवार के साथ जीव धरा पे जब तक रहूं है परमात्मा, कहा मैं आनंदमय रहूं, सुख पूर्वक रहो, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई अशांति ना हो, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करें। और भगवान से प्रार्थना करनी है, क्या कहा, यतो यतः समीह से ततो नो अभयन्तु। हे भगवान, हम जहाँ कहीं भी जाए हमको निर्भय बनाइए, हमारे द्वारा सत्कर्म होंगे, जीवन में कभी कोई भय नहीं होगा। ये प्रार्थना हृदय में धारण करके ओम गण गणपतये नमः का जप करिए, वैदिक मंत्रों को श्रवण करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे ओम आनो भद्राः प्रदभो यन्दो विश्वतो सत्यम दिव्य से
भगवान गणपति को प्रणाम करिए। सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान शंकर माता पार्वती को नमस्कार करिए। उमा महेश्वराभ्या कहा माता सरस्वती ब्रह्मा जी को प्रणाम करिए। वाणी हिरण्यगर्भाभ्या इंद्र इंद्राणी को नमस्कार करिए। शची पुरंदराभ्या अपने माता पिता को प्रणाम करिए। माता पिता जन कमलेभ्यो अपने इष्ट देवता को प्रणाम करिए। इष्ट देवता भ्यो अपने कुल देवता को प्रणाम करिए। कुल देवता भ्यो अपने गांव के देवता को प्रणाम करिए। ग्राम देवता भ्यो इस जगह के जो देवता है उनको प्रणाम करिए। स्थान देवता भ्यो घर के जो रक्षक है वास्तु देवता को प्रणाम करिए। वास्तु देवता भ्यो ओम सर्व देवी देवताओं को प्रणाम करिए। सर्वे भ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यो देव्ये इस कर्म के प्रधान देवता भगवान वास्तु को प्रणाम करिए। भगवान सत्यनारायण को प्रणाम करिए। कर्म प्रधान देवता भगवान वास्तु पुरुषाय नमो नमः। रमासीत सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। सभी छोड़ दीजिए मंगल श्लोकों का पाठ होगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु भगवान गणपति के 12 नाम ऐसे हैं कहा कोई भी आप मंगल कर्म करें होगा क्या उनके आशीर्वाद से जो भी अमंगल है वो दूर हो जाएगा और सभी प्रकार का मंगल होगा। गणपति बप्पा सुख करता और दुख हरता है तो दुख का हरण कर लेते हैं सुख प्रदान करते हैं। तो गणेश जी के 12 नाम। उसके बाद कहा माता जी को प्रणाम किया। माता जी को क्यों कहा सर्व मंगल मंगले सभी प्रकार का जो मंगल करने वाली है ऐसी माँ को प्रणाम। और क्या है कहा शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्वार्थ मतलब जो भी मनोकामना है कहा वो सभी प्रकार के अर्थ को सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। माता जी से प्रणाम किया आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। और कहा इसके बाद नारायण को प्रणाम करेंगे। देखिए गृहस्थों को 5 देवताओं का नित्य पूजन करना चाहिए। पहले गणपति बप्पा हो गए दूसरी मैया तीसरे कौन कहा तीसरे भगवान नारायण। नारायण के कई रूप हैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तो कभी राम बन जाते कभी श्याम बन जाते जो भी स्वरूप आपको दिख रहे। तो भगवान नारायण का स्मरण क्यों कहा भैया प्रभु श्री नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान है तो आपका सब जगह मंगल होगा। जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ सोना जहाँ आप हाथ लगाओगे वहाँ वहाँ आपको यश मिलेगा। और कहा जब भगवान की कृपा नहीं है जीवन में तो हम कितना भी श्रम करें कितना भी उद्यम करें उद्यम तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती उल्टा होता है अपयश मिल जाता है। कहते हैं कि हम उसका अच्छा चाह रहे थे लेकिन फिर भी हमको अपयश मिला कि क्यों कहा भगवान की कृपा नहीं है। यदि भगवान की कृपा हो तब तब होगा क्या कहा तदेव लग्न सुदिनम सदैव लग्न मतलब शुभ लग्न मिल जाएगा और बढ़िया दिन प्राप्त हो जाएगा वही दिन शुभ है जहाँ भगवान का स्मरण है तो हम हृदय में भगवान का ध्यान करेंगे।
इसके बाद भगवान बालकृष्ण को प्रणाम करेंगे और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करेंगे। पांचवें देवता भगवान शिव है, शिव जी को प्रणाम करेंगे। काशी की यात्रा, काशी में जाकर के बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करेंगे। वहाँ भगवान माधव है, कृष्ण कृष्णचंद्र को प्रणाम करेंगे। वहाँ पर भगवान गणपति को प्रणाम करेंगे। वहाँ दंड धारण किए हुए बाबा काल भैरव है, काशी की कोतवाल काल भैरव बाबा को प्रणाम करेंगे। और कहा भवानी मणिकर्णी, माता भवानी को प्रणाम, मणिकर्णिका घाट को प्रणाम, काशी इस पुण्यतीर्थ को, तीर्थ क्षेत्र को प्रणाम, और वहाँ गंगा मैया प्रवाहित होती, गंगा मैया को प्रणाम करेंगे। सबसे प्रार्थना, हे प्रभु हम आपका स्मरण कर रहे हैं, आप हमारा मंगल करें, आप हमारा कल्याण करिए। कहा कैसे कल्याण करिए, आप जानते हो जैसे हमारा कल्याण हो। यही विधि नाथ हो हित मोरा करो सो देख दास, मैं तो मैं आपका दास बन गया हूँ, आपकी शरण में पड़ा हूँ, जैसे मेरे का मेरा कल्याण हो वो आप सब जानते हो, परमात्मा मेरा कल्याण दे, इसका भाव है। अब आपको भाव समझ में आ गया, आप कुल देवी का ध्यान करिए। कुल देवी कौन है आपकी? आप ओम गंग गणपति नमः का जप करिए, मंत्रों को श्रवण करिए। ओम कपिलो गज कर्ण लंबोदर शिघ्न नाशो विनायक you
ताप पाप उपद्रवादि शमनार्थम विशेषतः आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम तथा च विशेषतः शुभम पुत्रस्य जन्मकुंडली मध्ये सर्व अशुभ ग्रहाः तैः सूचितं संसूचयिष्यमाणं यदादिष्टं तद्विनाशपूर्वकं यथाशक्ति यथाभक्ति नवग्रह पूजनं तथा च गृह मध्ये वास्तुजनित सर्व दोष परिहार हेतवे वास्तु पूजनम सत्यनारायण देवता पूजनम सत्यनारायण व्रत कथा श्रवणाक्ष कर्मण सिद्धि पूर्वक अद्य होमाग्नि स्थापन होमम हवनादि कर्म अहम करिष्ये सदंगतवेन कार्यस्य निर्विघ्नता सन्ततिर्थम् आदौ गणेशस्मरणं गौरीस्मरणं गुरुस्मरणं तथा च निग्रक्षणं दक्षिणे कालभैरोत्तरे हनुमंतादिस्मरणं तथा च मण्डपस्थापितः कुलदेवी संयुक्तमन्वित सप्तघृत मातृका पूजनं नवग्रह आराधनं तथा च वास्तुदेवतानां प्रतिष्ठा आवाहनं पूजनं सत्यनारायण भगवान् सहित भगवान् बालकृष्णः शालिग्रामदेवता पूजनं अद्य अहं करिष्ये। सामने छोड़िए, जो आपकी मनोकामना है वो भगवान के सामने प्रकट करिए। सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रकट करेंगे। हे प्रभु, हम भी आपकी कथा श्रवण करने आए हैं, आप हमारे मनोकामना की पूर्ति करिए ताकि हम भी आपकी सेवा कर सकें। ओम हरि ओम मां जजागरद भूरम उदयति दैवम साधु सुप्तस्य तथैवेति भूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्पित कर्मणः सिद्धया संतोः। ततः परं मा दक्षिणे दादिह वामस्ते गौरशर्षपान् गृहीत्वा दक्षिणहस्तेनाच्छाद्य भगवान के बाएं जंघा पे रखिए। हाँ, बाएं घुटने। आपको प्रार्थना करनी है कि भगवान दशों दिशाओं से जो कोई भी दोष घर में निर्माण हुआ है सभी दोषों को दूर करें, घर में गृह शांति करें और हमारे व्यापार क्षेत्र की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करें। ये प्रार्थना करनी है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। अपसर्पं तु ये भूता भूमि समोस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा ते नश्यन् शिवाग्नया अपक्रामन् तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशा सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभेत। ओम वहां निकालिए, थोड़ा थोड़ा तीन उंगली से उठाना है ऐसे, है ना, और जिस डायरेक्शन में बताऊंगा वहां आपको फेंकना है। पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयम् अग्निदेवता दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे पातु गुरुविन्द्रो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यां तु महेश्वरा ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् अधो अनन्तस्तु रक्षतु। एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। बाएं उंगली को पटके तीन बार। रोगा दोष शत्रुणां क्षयोस्तुः नेत्रोदकश्च वर्षा। बाएं हाथ पे जा लीजिए, रिंग फिंगर से नेत्र पे लगाइए। हाँ, नेत्र पे, आँख पे लगाइए। तच्चक्षुर्देव हितं गुरुता शुक्रमचरता पश्येम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात। अस्तौ वृक्षाय ऋषिकेशाय नमो नमः। अस्तु गन्धक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा।
ओम तथा परम्मा अक्षत पुष्पाणि आदाय लीजिए। भगवान दक्षिण के स्वामी काल भैरव बाबा है, काल भैरव से प्रार्थना करनी है। कहाँ आप काशी के कोतवाल हो, संतों के प्रतिपाल हो, हे भगवान आपकी जय हो। आप दक्षिण से मेरा मेरे परिवार की रक्षा करें। क्या जो भी नेगेटिविटी लाइफ में आती है, कैसे है, दक्षिण है दानवा प्रोक्ता पिशाचो नगर राक्षसा, जो भी नेगेटिविटी है सब दक्षिण से जीवन में आती है। लोग बोलते हैं नजर लग गया, टोना टोटका, जो भी है वो दक्षिण के स्वामी बाबा काल भैरव उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा आप दक्षिण से मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। हम आपका स्मरण कर रहे हैं, पीछे पीछे दोहराइएगा, हो सके तो गाइएगा, न हो सके तो सुनिएगा, और ओम भैरवाय नमः या ओम काल भैरवाय नमः का जप करिएगा जो आपको ठीक लगे। ओम काल भैरवाय नमः संतनो प्रतिपाल कृपाल हो तुम मोर करीब तुम
अनंतलाल की जय। अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि नमस्करोमि तथा परम दीप पूजनम तथा परम ये ले लो भैया एक कापूस ले लो और उसमें घी डाल के जला दो शांति हाँ ले लो कापूस है ना घी डालो जला के बड़े जले कर ततः परम भोदीप ब्रह्मरूपस्थं सर्वसाक्षी यज्ञकृता यावद् गर्भमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरत मे पापं पूजा दीप नमोऽस्तुते दीप देवताभ्यो नमो नमः देवी वहीं पे जला के रख देंगे आनंद कोटि नमस्कार समर्पयामि। चलिए आप दोनों जन उठिए माता जी को प्रणाम करिए सर झुका के ओम दोनों जन का प्रणाम करें बढ़िया सास ससुर गुरु से देखिए सामने भगवान गणपति जी हैं माता जी हैं उनका ध्यान करेंगे प्रार्थना करेंगे गणपति पप्पा आपका हम प्रथम पूजन कर रहे हैं आप हमारे कार्य की सिद्धि करें। ओम महागणाधिपतये नमो नमः तदा परम्मा
शारांगलम अक्षर पंचो परिकलशम तथाप्य वरुणम आवाहयेत नावंदमान तदाशाते जजमानो आविर्भेः अहेरमानो वरुणेह पोद्युरुषको समान आयुः प्रमोखेः ओम अति प्राण प्रतिष्ठन्तु अति प्राणक्षरं तुज अति देवतमर्चाय मामहेते च ओम बंबरनाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्ष पुष्पम समर्पयामि अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम स्वपरिवारम सायुधम सशक्तिकम पत्नी पुत्र परिवार समेतम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः परम ओम चतुर्वेद पूजनम चारों वेदों का पूजन कलश में करना है या पूर्व पूर्व ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदम पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदम पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदम मध्ये वरुणाय नमः वरुणम पूजयामि स्पर्श करिए कलशेष मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाचित मूढ़े चतुर्थो ब्रह्मा मध्ये मातृना प्रदाः कुक्षौ सागरात्रवे तत्त्वदीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो वसरणः अंगैश्रीताम सर्वे कलशं दुर्माचदात्र गायत्री पावित्रे शांति पुष्करे तथा आयन्तो देव पूजार्थं दुर्दक्षगारगाः गंगे च नेचैव गोदावरी सरस्वती नर्मदेन्दुकागरे जलसंतपुर सर्गतमुद्रा तीर्थानि जल तीर्थानि जलदान तथा आयन्तो देव पूजार्थं दुर्दक्षगारगाः गंगे च नेचैव गोदावरी सरस्वती नर्मदेन्दुकागरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अंकुशमुद्रयाः भगवान सूर्य से समस्त तीर्थों का जल मांगिए तो सूर्यनारायण आप अपनी किरणों के माध्यम से तीर्थों का जल अवशोषित करते हो आप हमको इस पात्र में प्रदान करिए तीन बार घुमाना है सूर्यनारायण का ध्यान करके ऐसे उंगली को और लोटे में डाल देना है उंगली को घुमाना है मध्य वाले घुमाइए तीन बार घुमाने पर तब डालना है ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि गर्भपृष्ठानि तेरवे तेरथं मे देव तीर्थं देहि दिवाकर तदा परम प्रार्थयेत पांडु की प्रार्थना परम देवता से ओम नमो नमस्ते स्फटिक मछली की तरह से करिए तैरते थे मछली जल की रानी है जो कुछ भी अशुद्धि है ना व्यक्तियों में कौन कहाँ से आया है ना किसी का क्या मन है उस अशुद्धि को दूर करने के लिए सामग्री में जो अशुद्धि उस सामग्री की अशुद्धि को दूर करने के लिए ये जल हर जगह सिंचन करिए छोड़िए ओम आपो हिष्टा मयो भुवतार ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रथस्य जयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमां यो यतिग् तस्मा अरङ्गमां वो यतिग्जयाय जिनवध आपो जनयथाचरा तथा परम ओम सूर्य पूजनम भगवान सूर्य ने हम समस्त तीर्थों का जल प्रदान किया और सभी प्रकार की शुभ ऊर्जा प्रदान करते हैं भगवान सूर्य से प्रार्थना है प्रभु हम आपको बार बार नमन करते हैं वंदन करते हैं आप कृपा करिए कल्याण करें सभी भगवान सूर्य का ध्यान करें देखा तथा परम ओम सूर्य
प्राण का भगवान सूर्य का ध्यान करिए। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को सूर्य को एक लोटा जल प्रदान करना चाहिए। इससे होगा क्या, कहा भैया जो सूर्य को जल देता है जो नमस्कार करता है, कहा सौ जन्म भी लोगे अगर, है ना, सौ बार जन्म लेंगे सौ बार जुदा होंगे, है ना, सौ बार जन्म लेने के बाद भी दरिद्रता नहीं आएगी, ये गारंटी, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं, कभी धन का अभाव नहीं होगा। तो सूर्य को सभी को जल प्रदान करके प्रणाम करना चाहिए, सूर्यनारायण का ध्यान करें। ओम सूर्याय नमो नमः, एव सूर्य सहस्रांश तेजो राशि जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्हं दिवाकर। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम हरे ओम मा आ कृष्णे नरसिंह वर्धमानो निवेश सूर्याय नमो नमः, अनंत कोटि नमस्कारां समर्पयामि, नमस्करोमि। थोड़ा जल दे दीजिए सूर्य को। देखिए सूर्य का ध्यान करना है मनीमन और ये अर्घ्य दे देना है। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशो जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः। गणे सूर्याय नमः, ओम विशेषार्घ्यं समर्पयामि ततः परं वा। चलिए अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थये। कहाँ जोड़ के प्रार्थना करिए, यहाँ भी सूर्य जो है वो जीवन प्रदाता है, सभी का कल्याण करते हैं। और कहाँ कुंडली में नवग्रहों में सूर्य का विशेष स्थान है, तो उनका ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप हमारा हमारे परिवार का सबका कल्याण करिए और मनोकामना की पूर्ति करिए। ओम सूर्याय नमो नमः, हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशो जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ततः परं वा। शब्द बार नमन है दिवा मेरी अरज सुनो करुणा कर, शत बार नमन दिवाकर मेरी अरज सुनो करुणा कर, शत बार नमन दिवाकर मेरी अरज सुनो करुणा कर। हाथ जोड़ में वंदन करता, हाथ
मन ही मन भगवान की करुण का ध्यान, भगवान की शंकर का ध्यान कर लेंगे और उसे प्रार्थना कर लेंगे कि प्रभु आप कल्याण करिए। और शंकर देखिए घंटी क्यों बजानी चाहिए, घंटी बजाने से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर चली जाती है और सभी प्रकार की शुभ ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। जैसे जिस घर में घंटी बजती है वहाँ पे नारायण आते हैं, क्योंकि घंटी जो है वो गरुड़ है भगवान का वाहन, जहाँ पति होगा वहाँ पत्नी रहेगी तो माता लक्ष्मी रहेंगी। जैसे जिस घर में नहीं थे सवेरे शाम घंटी बजा करके आरती होती है या पूजा होता वहाँ धन का अभाव नहीं होता, लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। तो ध्यान करना है घंटी का ध्यान, भगवान की शंकर ध्यान मनी मन करेंगे। ओम हरि ओम श्री विष्णु प्रणमामि सर्पासनं दुःखहरं खगेशं मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानगुणप्रशान्तं शङ्खं तदाहो शरणं प्रपद्ये शङ्खं तदा रखा हुआ है उनका ध्यान कर लेंगे। कलश के जो स्वामी है भगवान वरुण, वरुण देवता के साथ समस्त तीर्थों के जल का आह्वान करेंगे। समस्त तीर्थों का जल वरुण, जिनका जिनका स्थान कलश में है वो कलश में विराजमान हो जाए। ओम हरि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमा सदा मूले दशसु ब्रह्म मध्ये मातृगणा सदा कुक्षो दुषागर सर्वे सत्वदीपा सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो साम वेदो अथर्वणः अंगैर्जय तां सर्वे कलशं दुषमाश्चदात्र गायत्रे सावित्रे शान्ति पुष्करि सदा आयान्तु देव मूलाकं दुर्दक्षयकारकाः गङ्गेजं नैषैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिन्धु कावेरी जलप्रियं सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः दरिता तीर्थानि चलता नदा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षय ंबरुणाय नमो नम आनंदकोटि नमस्कारा समर्पयामि नमस्करोमि ततः परम कुलदेवी माई सुन पूजा करते गाँव में, गाँव में जैसे शादी पूजा है ना माता का ध्यान करें कि हे मैया आपको भी निमंत्रण प्रदान कर रहे हैं, आपकी पूजा में पधारिए और षोड़श मातृकाओं 16 माताओं के साथ यहाँ पधारिए और कृपा विष्णु बनाइए। ओम कुलदेव्ये नमो नमः। ओम कुलदेवी मैया विंध्य वासिनी जो है जगत जम्बिका जगत जननी है उनका ध्यान करिए और उनके साथ कुलदेवी माई का माता का ध्यान और षोड़श मातृकाओं का ध्यान। ओम कुलदेव्ये नमः। भक्तों का ऐसा भाव है कहाँ के अगर प्रेम हो गया माता से तो प्रेम होने के बाद जगत में सबसे सुंदरी अपनी माँ नजर आती है। इसी भाव को प्रदर्शित एक छोटे से भजन की चार कड़ी के साथ फिर हम आगे पूजन में प्रवेश करेंगे। ध्यान करिए माता जी का। नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बा समुंदर सुंदर, नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बा समुंदर सुंदर, पर्वत बा समुंदर सुंदर, पर्वत बा समुंदर सुंदर, सबका से सुंदर मोरी मैया बेहा चल मैया, सबका से सुंदर मोरी मैया बिंदा चल मैया, नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बा समुंदर सुंदर, नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत बा समुंदर सुंदर, सबका से सुंदर मोरी मैया बिंदा चल मैया, सबका से सुंदर मोरी मैया।
सूर्य पूजन सूर्य ध्यान से कुंडली में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और भगवान सूर्य की कृपा से पिता से प्रेम बढ़ता है, पिता से सभी प्रकार के सहयोग प्राप्त होते हैं। और जिस प्रकार से सूर्य यदि कुंडली में मजबूत है तो कहाँ सभी प्रकार के जो दुख हैं जीवन से निष्ठ हो जाते हैं। भगवान सूर्य का ध्यान उसको चंद्रमा बनाए, चंद्रमा का ध्यान करिए, भविष्य दुषारापम शिव धारण संभव नमा मिशन शोभम संभव भूषण ओम चंद्रपति नम चंद्रमशम आवायामी स्थापयामी मिश्र ट्रंगल है जो रेड कलर के मंगल बने हैं बृहस्पति का ऊपर जो व्हाइट कलर का स्टार है वह शुक्र का शुक्र तारा उनका ध्यान करें। ओम हरि ओम हेमकुंद मृणालापम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमामि अहं शुक्रायम शुक्रम आवाहयामि स्थापयामि। नीचे जो धनुष बना है वह शनि का ध्यान करें। ओम नीलांजन समापाकम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्दं संबोधं प्रणमामि शनिश्चरं परिश्रायं परिश्रम ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। ब्रह्मा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषे भूमि भूतो बुधश्च पुरुष शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु गोविंदाय नमो Yeah.
में प्रभु गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे शालिग्राम देवता रहेगा बाल कृष्णाय मत है ध्यान ऋषि दलम गुंती मंजरिम च समर्पयामि नमस्करोमि तदह परम्मा तदा परम ओम प्रतिष्ठापन हरि ओम जलमादाय ओम अश्विति प्राण प्रतिष्ठा मंत्रधीय ब्रह्मा विष्णुरुद्र ऋषय अनुष्टुप छंद ओम श्री परमात्मने नमो नमः आनंद कोटि नमस्कारं समर्पयामि नमस्कारोमि छोड़िए ओम श्री परमात्मने नमः तदा परम पुनः तदा परम ओम मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी है जो मूर्ति है वास्तु की प्रतिष्ठा करनी है जान लीजिए आप ओम वास्तु पुरुषाय नमः का जप करें वास्तु पुरुषाय नमः ओम हाथ लगाइए ओम वास्तुष्पदाय नमो नमः ओम हरि ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुरे विष्णुरे विष्णु अद्य आसाम वास्तुमूर्तिनां निर्वाजो अग्नि प्रतपना ताडन अवघातादि दोष परिहारार्थम अभ्युत्थान पूर्वकं प्राणप्रतिष्ठां च अहं गमिष्ये छोड़े मूर्ति घृतेन अभ्यज्य मूर्ति को थोड़ा घी लगा दीजिए दोनों वास्तु की मूर्ति और ध्रुव के नाम थोड़ा मूर्ति घृतेरा बीज जिया ऐसे गाली 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 थोड़ा थोड़ा हाँ रोटिया जाए हाँ बस जलधाराम चकुरिया का वास्तु देवता से प्रार्थना आप मूर्ति में आके प्रतिष्ठित हो जाइए और जो स्थान का दोष है उसको दूर करिए यहाँ रहने से मेरे पिता का कल्याण हो तद परम जलधारा चुरिया ओम वास्तु पुरुषाय नमः जपते तदा परम नमस्कार समर्पयामि
ऐसे उल्टा फोल्ड करके बैठी हूँ। हाँ पूरा फोल्ड हो गया। आनंद बोल रहे हैं नमस्कार सब रुपया आमी ऊपर कैसे बैठे हैं सब चंचल घंटा से बैठे हैं चार घंटा पहले इधर इतना देर बैठे हैं राइट से फुल को स्पर्श करें लेफ्ट को फिर इधर लगाइए राइट से वहाँ के राइट से दूसरी को ओम हरि ओम महा ओम आम्रिम क्रम यम रम लम बं सम 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 होम ओम सम सम हम सह हरिम ओम आम्रिम क्रम माता बाहुमूर्तिना प्राणी प्राणा आम्रिम क्रम यम रम लम बं सम 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 होम ओम सम सम हम सह हरिम ओम आम्रिम क्रम माता बाहुमूर्तिना जीवतिना आम्रिम क्रम यम रम लम बं सम 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 होम ओम सम सम हम सह हरिम हरिम ओम आम्रिम क्रम माता बाहुमूर्तिना प्रतिरा बांग मत शिक्षु सोत्री प्राण पानी पाद पायु प्रसानी रगत तुम जन निश्चन तो वास्तुमंडल बने हैं वह वास्तु भगवान का आवाहन करिए नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषयावृत प्रभो मदग्रह धन धान्यादि समृद्धिं पुरुषाय वदा वास्तु पुरुषाय नमः ज्ञानाध्यक्षतां समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तथा अक्षय जी गुरु दाना वह छोटा है ओम हरि ओम महा ओम वातुष भावे मंत्र बीच में छोड़ेंगे वातुष फले प्रज्ञाने तमांडवा विश्वकर्मी भगवानः यतोय कावृतम नरकुशव सन्नोभव द्विपदेशन चतुष्पदे नमस्ते वातु पुरुषाय वाषयाविरत प्रभो मद्गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा समृद्धिं कुरु सर्वदा ओम सिखने नमः आवायामि स्थापयामि ओम पजन्याय नमः आवायामि स्थापयामि ओम जयन्ताय नमः आवायामि स्थापयामि ओम इंद्राय नमः आवायामि स्थापयामि ओम सूर्याय नमः आवायामि स्थापयामि ओम सत्याय नमः आवायामि स्थापयामि ओम वृषाय नमः आवायामि स्थापयामि ओम अंतरिक्षाय नमः आवायामि स्थापयामि ओम वायवे नमः आवायामि स्थापयामि ओम पूहने नमः आवायामि स्थापयामि ओम विदथाय नमः आवायामि स्थापयामि ओम गृहक्षताय नमः ओम यमाय नमः ओम गंधर्वाय नमः ओम भृंगराजाय नमः ओम मृगाय नमः ओम पितृव्यो नमः ओम द्वारिकाय नमः ओम सुग्रीवाय नमः ओम पुष्पदंताय नमः ओम वरुणाय नमः ओम असुराय नमः ओम शेषाय नमः ओम पापाय नमः ओम रोगाय नमः ओम नागाय नमः ओम मुख्याय नमः ओम भल्लटाय नमः ओम सोमाय नमः ओम उर्गाय नमः ओम आदित्याय नमः ओम दितेय नमः ओम अध्ययो नमः ओम आपत्साय नमः ओम अर्यमणे नमः ओम सावित्राय नमः
स्नान कराइए
गणपति जी और माता जी फिर अपन जहाँ मन करता अगर मन ओम पय पृथिव्यां पय ओ हरिः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धा पयसमधीः प्रदिशः सन्तु मह्यं मा ओं कामधेनुः समदौतौ सर्वेषां जीवनं बलौ पावनौ यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितं पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते जलं समर्पयामि तथा परम दधि स्नान पर घुमा कर कहते शालिग्राम पे छोड़ दी दधि स्नान दधि दुग्ध मध्य दधि जितने हैं फिर एक बार छोड़ ओम दधि क्रावण अकार विष्णु सुचवाजिन दुर्भिन मुखा दर्पण मया गुआयु चिता रिघाता दधि स्नान ओम दुग्ध मध्य स्थित दधि स्नान समर्पयामि नमस्कारोमि फिर एक बार जल घुमा के छोड़ दी ओम नदी स्नानांत तथा परम शुद्ध स्नान समर्पयामि दुग्ध दधि घृत स्नान भगवान को जी से स्नान कराई ओम ओम हरि ओम मघृत स्नान तथा परम नवनीत समर्पयामि तथा ओम मधुपादा मधुक्षरंदा घुमा के शालिग्राम मधुक्षरंदा माधवीता मधुक्षरंदा माधवीता अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा महोदय ओं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा महोदय सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके ओम नमो नमः सिद्धे
जलते भगवान को थोड़ा जल्दी सुन सुन शुद्धम यत्सरलम् देव्यम् गंगाजलम् समन्वितम् समर्पितम् मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम् शुद्धस्नानाय गृह्यताम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते नैवेद्यं परिकल्पयामि पंचामृत नैवेद्यं समर्पयामि ओम तथा परमा प्राणाय स्वाहा पाय हाथ के बंद करके पांच बार दिखाइए भगवान को प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा आपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा चढ़ा दीजिए ओम नैवेद्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि तदा परम उत्तरे निर्मलं विसर्जया नीचे मस्तक पे लगाइए नेत्र पे लगाइए बात कीजिए नेत्र पे सुनिए दे जाओ आनंद कोटि नमस्कारान समर्पयामि फूल भात जोड़ लीजिए हाथ जोड़ लीजिए हस्तौ वृक्षालया बड़े सभी देवताओं का अभिषेक करना है थोड़ा जल मंगाए अंदर इसमें गणपति जी पे श्राप करें ओम गंग गणपति नमः जप करें छोड़ दे गणेश जी पे छोड़ दे लगा कर पानी आते रहेगा श्राप करें चलिए ओम गंग गणपति नमो नमः ओम गंग गणपति नमो नमः ओम श्रीय नमः का जप करें ओम श्रीय नमः
ओम हरे ओम श्री नमो नमः ओम यादनाम पापात्मनाम कृतदयाम हृदयेषु बुद्धे श्रद्धासुताम कुलजना प्रभो सुलज्जा तां तां नतात्म परिपालय देवि पिशुरम्म गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव दिव्य स्मृतामृत देव गोविंद दामोदर माधवे जी विक्रेतुमालाकन्या मुरारी बिंदु वृत्ति सद्यादिगमोवासवेद गोविंद गोविंद दामोदर माधवे जी गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगो पुण्यानि नामा सर्वे देवभ्यो नमो नमः अमृताभिषेक उद्योगकृता अभिषेकः चल जल ले लीजिए क्या बात है कितना लेगा पैसा लेगा एम आई फेल हो गया भाई क्या मैं अभी नोट 4 आया है बहुत अच्छा सही नोट 4 जो भी आया है नोट 7 प्रो हाँ 7 ये चलो भैया पात्र आ गया जल आ गया ना अब एक एक मूर्ति आप उठाइए बढ़िया से स्नान कराइए